आज की जो शब है, मैंने कुरान की आयत जो पढ़ी कुछ उस पर भी गुफ्तगू हो जाए ताकि इस रात का कुछ हक हुआ था मेरा। ये मेराज सिर्फ सरकार ही की मेराज नहीं है, ये पूरी इंसानियत की मेराज है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ऐसा मोजज़ा है, ऐसी फजीलत है मेराज कि ना आपसे पहले किसी नबी को मैसर हुई, ना आपके बाद किसी इंसान को मैसर होगी। वो खसूसियत है मेराज की। अल्लाह अकबर, ये मकाम किसी को नहीं मिला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में हमारे नबी के बाद सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा उनकी भी मेराज का जिक्र है कुरान में। लेकिन उनकी मेराज यही है कि उन्होंने अर्ज किया, रब्बे अरिनी अंजुर इलैक, ए रब तू मुझे अपना दीदार करा दे, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। उनके मूसा अलैहिस्सलाम ने भी ख्वाहिश रही, तो अल्लाह ने क्या फरमाया, लन तरानी, जो उलमा किराम बैठे हैं, लन तरानी का मतलब तुम हरगिज नहीं मुझे देख सकते, नहीं देख सकते। आला हजरत ने बड़ी अच्छी बात कही है कि कहीं तो वो जोशे लन तरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज कर रहे हैं कि रब मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मुझे अपना दीदार करा दे, मेराज करा दे, दिखा दे अपना जलवा। अल्लाह फरमाता है तो मुझे नहीं देख सकता। मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत इसरार किया, तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया मैं अपनी तजल्ली पहाड़ पे नाजिल करता हूँ, दूर पे। अगर वो पहाड़ अपनी जगह पे साबित कदम रहा, फसल पाता रानी, तो तुम मुझे देख सकते। लेकिन अल्लाह ने जब अपनी तजल्लियात को पहाड़ पे नाजिल किया तो दूर जल के सुरमा बन गया, पहाड़ जल के सुरमा बन गया। वखर्रा मूसा सहका, हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम जमीन पे तशरीफ ले आए। ये तो मैं नहीं कहूँगा बेहोश होकर गिर पड़ी है, आला हजरत ने कहा जमीन पे तशरीफ। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मेराज थी। क्यों अर्ज कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि मूसा तुम देख नहीं सकते, पहाड़ पे मैं अपनी तजल्ली नाजिल करता हूँ, अगर पहाड़ साबित कदम रहा तो तुम देख सकते। अगर हमारे सरकार की शान ये है कि उन्होंने अपनी आँखों से अपने रब का दीदार किया और ऐसा दीदार किया कि माँ जागल बसर हो माँ तबा, कि आपकी आँखों में कोई कजी भी नहीं आई और आपने अपने रब को देखा। ये किसी पैगंबर और किसी नबी को ये मकाम नहीं हासिल हुआ जो हमारे सरकार को हासिल हुआ। देखिए एक चीज़, बाज लोग ये कहते हैं, एक पंखा बुझा दीजिए, ये सरकार को जो मेराज हुई है ये रूहानी मेराज थी। रूहानी समझते हैं, आपने ख्वाब देखा था कि आप मस्जिद अक्सा गए, बैतुल मक़दिस में इमामत की, फिर आसमानों की सैर की, फिर जन्नत देखी, जहन्नम देखी, रब से मुलाकात की, आपने ख्वाब देखा था। सरकार की रूहानी मेराज तो कई बार हुई, लेकिन कुरान में इस आयत में 15वें पारे से जो शुरू है, सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, इससे जिस मेराज का जिक्र है वो मेराज रूहानी नहीं है बल्कि जिस्मानी है। मेराज का मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा समझा दो। मेराज का मतलब यह है, सरकार रात के मुख्तसर से हिस्से में मस्जिद हराम यानी मक्का शरीफ में, जो मस्जिद हराम है, वहाँ से मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा से सातों आसमानों की, फिर सिदरा की, फिर अर्श की लामका तक जाके सैर करके आए, और जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, अर्श गए और चले आए मोहम्मद, इसी का नाम मेराज है। आप मुझे बताएं, कोई यकीन करेगा? अकल में आने वाली बात नहीं है, नहीं कोई जिसके सामने भी अगर अबू जहल, इसीलिए ना जब सरकार ने सुबह को बयान किया ये बात कि मैंने रात के मुख्तसर से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा
مشتے اقصا سے آسمانوں کی سیر، پھر چند تو دوزہ سدرا لامکا تک گیا، اپنے رب کی دیدار سے مشرف ہوا، واپس بھی آ گیا اور بستر گرم بھی رہا۔ ابو جہل کو ایک ہتھیار مل گیا کہ اب میں مسلمانوں کو برگشتہ کر دوں گا اس بات سے۔ سب کا دروازہ کھٹکھٹاتا تھا، تم نے سنا نہیں محمد بن عبداللہ نے کیا بات کہی ہے، کیا دعویٰ کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ملا اور کہا کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصا گیا، پھر بلکہ ابو جہل کو تو یہی تسلیم نہیں تھا کہ کوئی مسجد حرام سے مسجد اقصا اور مسجد اقصا سے لوٹ آئے رات کے مختصر سے حصے میں، اس نے کہا ابو بکر ہم تو ایک مہینے میں جاتے ہیں، ایک مہینے میں واپس آتے ہیں۔ آسمانوں کی سیر وہ تو بعد کی بات ہے، اس کو یہی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ ایک مہینہ لگتا ہے جانے میں مسجد اقصا اور واپس آنے میں بھی ایک مہینہ، یہ رات کے مختصر سے حصے میں کیسے گئے، کیسے چلے آئے۔ جب اس نے پوچھا کوئی اگر یہ دعویٰ کرے تو حضرت ابو بکر کا نہیں ہو سکتا، تو کہا اگر تمہارے صاحب محمد کہے تو حضرت ابو بکر کا تب ہو سکتا۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو مسجد حرام سے مسجد اقصا کی کیا بات ہے، ان کے کہنے پہ تو ہم نے اپنے رب کو بغیر دیکھے مان لیا ہے، بن دیکھے خدا ہم نے تجھے مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا، ہم نے اپنے رب کو مان لیا، ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہمارے پیغمبر نے کہہ دیا تو ہم نے مان لیا، جنت مان لیا، دوزخ مان لیا، ساری چیزوں پہ ہم ایمان لے آئے۔ تو اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ رات کے ایک مختصر سے حصے میں وہ مسجد حرام سے مسجد اقصا گئے اور چلے آئے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ لیکن واقعی قرآن مقدس کی جو آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اس میں جواب دے دیا۔ ہمارے علماء نے مفسرین نے اللہ ان کی قبروں پر رحمت و غفران کی بارش نازل فرمائے، ہر چیز کا جواب دے دیا ہے۔ دیکھیے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات یعنی رب العالمین کی جو اپنے بندے کو لے گئی رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصا۔ یہ تعبیر آپ دیکھیں، دیکھیں آنا جانا کئی طرح کا ہوتا ہے۔ مولانا صاحب نے ہمیں فون پہ دعوت دے دی، مولانا صاحب تشریف لے آئیے، ہم نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں گے، دعوت دے دی، ٹکٹ بھیج دیا، آ گئے۔ ایک آنا جانا اس طرح کا، ایک دعوت بھی نہ دیتے خود ہی سے آتے تو ایک آنا اس طرح کا ہوتا ہے، بولیے۔ لیکن خود سے آئے اس کی حالت دوسری ہوتی ہے، کوئی بلائے دعوت دے کے، کسی دعوت میں آپ پہنچ جائیے بغیر بلائے تو اس کی حالت دوسری ہوتی ہے، اور دعوت دے کارڈ آپ کو ملا ہو تو اس کی دعوت دوسری، بولیے حیثیت دوسری ہوتی ہے نا۔ لیکن اگر کوئی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اپنا آدمی بھی بھیجے آپ کو بلانے کے لیے، اپنی سواری بھی بھیجے، اس کی شان اب آپ غور کریں، معراج یہ نہیں کہا گیا، یعنی سرکار نے دعویٰ کیا کہ میں نے معراج کی ہے، یہ نہیں دعویٰ کیا۔ دعویٰ کیا تھا؟ دعویٰ تو یہی تھا نا کہ میرے رب نے معراج کرائی ہے، اور جب اللہ نے معراج کرائی ہے تو اللہ کی ذات سے کوئی بعید ہے کہ رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصا کوئی چلا جائے؟ اللہ نے سارے سوالوں کا جواب دے دیا، یہ میرے بندو یہ میں معراج کرا رہا ہوں، میں بلا رہا ہوں، اور جب رب کسی کو بلانا چاہے تو اس کے لیے کوئی محال نہیں ہے۔ محال عام انسانوں کے لیے ہو سکتا ہے مگر رب کے لیے کوئی چیز محال نہیں۔ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصا تک۔ اور آج تو جانتے ہیں، اب تو سائنس والے بھی اس کو مانتے ہیں کہ رفتار اگر بہت تیز ہو تو وقت پیچھے ہو جاتا ہے، پیچھے ہو جاتا ہے۔ آپ کو میں اپنا واقعہ سناؤں، سنا دوں، آپ برا تو نہیں مانیں، اس سے تھوڑا سمجھنے میں مدد ملے گی آپ کو۔ تھوڑا آپ کھانا نہیں کھائیں، مجھے یہ فکر ہے دیر ہوتی ہے، بھوک لگ جاتی ہے۔ سن 2002 کے آخر میں، نومبر میں، ہمارے ایک دوست تھے جو اشرفیہ میں پڑھاتے تھے، عالم ہیں، مفتی ہیں، وہ امریکہ چلے گئے، تو انہوں نے مجھے دعوت بھیج دیا
कि आप तशरीफ लाएं रमजान में। वो शब कदर वगैरह में सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने कई प्रोग्राम रखा था, रहते थे डेलस में, तो डेलस ही पहले बुलाया। मुझे कोई तजर्बा नहीं था अमरीका का, न कभी मैंने सफ़र किया था, तो उन्होंने मुझे पूरी तफसील भी नहीं बताई और मैं खैर रमज़ान में निकला, दिल्ली आया। वीज़ा वगैरह लेने के बाद जब मैं रवाना हुआ तो जर्मनी होते हुए मैं गया, दिल्ली से जर्मनी गया, जर्मनी में फ़्लाइट बदली और फिर वहाँ से डेलस अमरीका पहुँचा। लेकिन पहुँचने का अंदाज़ मैं बताऊँ, मुझे कोई तजर्बा नहीं था, तो मैंने रोज़ा रखा, रमज़ान का महीना था। दिल्ली से फ़्लाइट तकरीबन 2:30 बजे रात में वो चली, तो मैंने सोचा कि अब जो खाना दे रहे हैं जहाज़ में, जब जहाज़ उड़ा तो फिर खाना दिया लोगों ने, तो मैंने सोचा इसको शहरी की नीयत से मैं खा लेता हूँ, खा लिया। और जब जर्मनी हम उतरे 7 घंटे के बाद, तो अभी फजर का वक्त शुरू हो रहा था। देखिए 2:30 बजे रात में चले यहाँ से, 7 घंटा चले भी और अभी फजर का वक्त शुरू हो रहा था। वहाँ पहुँच गए, फिर वहाँ इंतज़ार किया, 9:30 बजे वहाँ से फिर फ्लाइट चली, 11:50 तक वो प्रवास करती रही बहरे अटलांटिक पर, ओकियानूस में। यूरोप से 11:50 लगा, और जानते हैं सुबह 9:30 बजे हम चले तो तकरीबन जोहर के वक्त हम पहुंच गए अमरीका, और अभी जोहर का वक्त हो रहा था। कितना हो गया रोज़ा, बोलिए। 7 घंटा तो यहाँ से चले, वहाँ इंतज़ार भी किया 9:30 बजे तक जर्मनी में, फिर करीब 12:15 चले, और अभी जब वहाँ पहुँचे तो अभी इफ्तार का वक्त नहीं हुआ, दिन ही रहा हो। वो घंटा, वो रोज़ा करीब ऐसे ही 22-23 या 24 घंटे का हुआ। जैसे ही एयरपोर्ट से मैं निकला और लोग मुझे लेने आए थे, गेट पे जब मिले तो सबसे पहले उन्होंने पूछा रोज़ा है, मैंने कहा हाँ। अरे बोले आपको किसी ने बताया नहीं था, रोज़ा तो बड़ा लंबा हो गया होगा। मैंने कहा हाँ लंबा तो हो गया, मैंने देखा बाहर निकला, अंदर तो कुछ पता नहीं चलता है एयरपोर्ट में, बाहर निकला तो अभी अभी दोपहर का वक्त। आप बताइए, सूरज के साथ साथ चलते रहे, तारीख भी वही रही, दिन भी रहा, और इतने घंटे चले भी, वक्त अभी हमारे साथ ही है। क्या बात। तो जब साइंस भी ये कहती है कि रफ्तार अगर बहुत तेज हो जाए तो वक्त पीछे हो जाता है, रफ्तार आगे हो जाती है, तो हमारे सरकार की रफ्तार क्या थी चलने की। हदीस शरीफ में आया है कि मैंने अभी अर्ज किया ना कि दावत देने वाले ने सिर्फ दावत नहीं दी थी, सवारी भी खुद भेजी थी, और लेने के लिए किसको भेजा था, जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए। वो जिब्राइल जो तमाम मलाइका में सबसे ज्यादा मुकर्रबे बारगाह है, अल्लाह ने उस मुकर्रबे बारगाह फरिश्ते को भेजा था, जाओ मेरे महबूब को बेदार करो, ये सवारी लेके जाओ। तो सरकार हाजिर हुई अपने रब की बारगाह में, है ना, किसी शायर ने कहा है ना, अपना जाना और है उसका बुलाना। तो जब रब्बुल आलमीन ने बुलाया और मेराज कराई, तो ये मेराज रात के एक मुख्तसर से हिस्से में हजरत अबू बकर ने फरमाया, अगर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और आसमानों की सैर जन्नतों दोजख की सैर करके वो आ गए और दावा करें, तो मेरे नज़दीक कोई गलत नहीं है, इसलिए कि मेराज कराने वाली ज़ात रब्बुल आलमीन। और एक चीज़ ये भी याद रखें, सरकार को मेराज क्यों कराई गई, अल्लाह फरमाता है लेनूरियहु मिन आयातिना, हम अपनी निशानियां उनको दिखाएं, निशानियां उनको दिखाने की ज़रूरत क्यों है, और किसी पैगंबर को क्यों नहीं निशानियां दिखाई गई, सरकार को क्यों जन्नत दिखाई गई, दोजख दिखाई गई, सिदरतुल मुंतहा दिखाई गई, फरिश्तों का दीदार कराया गया, बैतुल मामूर दिखाया गया, मस्जिद अक्सा में इमामत कराई गई, सारे अंबिया से मुलाकात कराई गई, आसमानों पे ले जाया गया और अंबिया से मुलाकात कराई गई, ये सब क्यों कराया गया, बोलिए। जानते हैं और अंबिया आते थे तो अपने एक मखसूस इलाके के वो नबी होते थे, मगर हमारे सरकार जो आए तो पूरे आलम के वो नबी थे, सिर्फ जमीन के वो नबी नहीं थे, आसमान वालों के भी वो नबी थे, फरिश्तों के भी वो नबी थे, तो इसलिए आपको सैर कराई गई कि जमीन की मखलूक को तो आपने देख ही लिया है, अब उनको भी आप मुलाहदा फरमा लें जिनके आप पैगंबर हैं।
क्योंकि सरकार ने खुद इरशाद फरमाया कि मेरे दो वजीर जमीन में हैं और दो वजीर आसमानों में। ये बताइए वजीर किसके होते हैं? किसी अहरे गहरे के होते हैं, बादशाह के ना होते हैं। सरकार फरमाते हैं मेरे दो वजीर जमीन में और दो वजीर आसमानों में हैं। अम्मा वजीर आया फिलहाल फाबू बकर उमर, जमीन में जो मेरे वजीर हैं वो अबू बकर उमर है और आसमान में जो वजीर हैं वो हजरत जिब्राइल और मीकाईल है। तो जाहिर बात है जहां जहां वजारत होगी वहां वहां आपकी बादशाहत होगी। इसका मतलब यह है कि सरकार जमीनों के भी बादशाह हैं और आसमानों के भी बादशाह। अल्लाह ने इसीलिए मेराज कराई ताकि वो जमीनी मखलूक तो देख ही चुके हैं, अब आसमान वालों को भी देख लें। जितने लोग जितनी चीज़ें आपकी नबूवत में आती थी अल्लाह ने उन सारी चीज़ों का दीदार करा दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि रब ने अपना दीदार कराया। रब का दीदार इतनी बड़ी नेमत है कि जब जन्नत में रब्बुल आलमीन जन्नतियों को अपना दीदार कराएगा तो जन्नती जन्नत की सारी नेमतें भूल जाएगी, सारी नेमतें खेच हो जाएंगी।